आज मुझे पंचांग के बारे में बताना है आपको, वेद कहाँ से हुआ है, वेद कैसे है उसके बारे में बताना है, ज्योतिष के कुछ पार्ट में आपको बताऊंगा, जो ये सब समझेंगे उसके बाद ही ये हमारे पास कौन कौन से ग्रह हैं, नक्षत्र वगैरह के बारे में। तो अभी नक्षत्र तो इसका एक चैप्टर, तो नक्षत्र तो आएगा, अक्षांश देशांतर पंचांग उसके बाद हम ले लेंगे, फिर मास को ले लेंगे, यहां तक चलेंगे। आप लोग भी एक बार प्रणाम कर लें, एक बार जहां बैठे हैं आप तो घर पे ही बैठे होंगे, एक बार लंबी सांस लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए। मैं एक विधि से कोई काम कराता हूं, उस विधि को थोड़ा फॉलो कर लें, आंख बंद कर लें, लंबी सांस लें नेवल तक, और जो हवा आपने नेवल तक ली है उस हवा को नाक के बाहर छोड़ के आइए, तीन बार करिए, लंबी सांस लीजिए, इसी हवा को नाक के बाहर तक छोड़ के आइए, लंबी सांस लीजिए, इसी हवा को नाक के बाहर तक छोड़ के आइए, प्रणाम करिए इस ज्ञान को जिसने पंचांग दिया होगा, इस ज्ञान को मैं लेना चाहता हूं, अभी जो मुझे दे रहे हैं इनको मैं गुरु मानकर इस ज्ञान को संपूर्ण तन्मयता से लेना चाह रहा हूं या चाह रही हूं। ये ज्ञान अगर लेने में कभी मैं कॉन्शस में ना रहूं, कभी मैं वर्तमान की स्थिति में ना रह पाऊं, तो भी इस ज्ञान से मेरा आग्रह है कि ये मेरे अंदर अपने आप डाउनलोड हो। मैं ये ज्ञान अपनी और जन कल्याण के भलाई के लिए लेना चाह रहा हूं या चाह रही हूं। इस ज्ञान को लेकर मुझे या मेरे संपर्क के लोगों को भला हो, ऐसी मेरी समस्त ग्रहों से, समस्त दिशाओं से प्रार्थना है। कृपया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, धन्यवाद। मैं जो ज्ञान आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूं, अगर मुझसे कहीं कोई कुछ रह भी जाए तो मैं इस ज्ञान बनाने वालों को, ज्ञान तक पहुंचाने वालों को ये प्रार्थना करता हूं कि वो अपने आप आपके दिमाग में चले जाए, धन्यवाद। चलिए आंख खोलिए, आगे बढ़िए। देखिए, वेद हमारे हाथ में, चार प्रकार के वेद हैं, जो शुरुआत में आया वो चार प्रकार के वेद हैं। चार प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों जो ऊपर लिखे हुए हैं ये आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जो अभी कर रहे हैं वेद का ही पाठ कर रहे हैं, अभी हम वेद ही सीख रहे हैं। किसी जमाने में वेद का विस्तार हुआ था, इसको लेकर वेद सीख रहे हैं हम। उपवेद हैं चार, आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद। ये आयुर्वेद है और ये गंधर्व वेद है, ये उपवेद हैं चार। इसका विस्तार हुआ वेदांग के रूप में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुत्तम और ज्योतिष। ये जो है ना ज्योतिष, ये वेदांग है, वेद का पार्ट है, वेद का अंग है। ये वेद के चीजों को आगे बढ़ाने में ये सबसे ज्यादा सहायक रहा है इन चीजों से। अब ये हम उसके बाद उपवेदांग लेंगे, सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत, ये हमने उपवेदांग लिया। वेदांग सीधा सीधा वेद का पार्ट है, वेद का अंग है, और वो है ज्योतिष।
इसमें से आप जहां जाएंगे ना, इन इन चीजों से आपको आचार्य की डिग्री मिलती है। जब आप संस्कृत से पढ़ेंगे तो इन इन चीजों से आपको आचार्य की डिग्री मिलती है। व्याकरणाचार्य होता है, छंदाचार्य होता है, ज्योतिष आचार्य होता है इसमें। इसके बाद वास्तु जो बना वो भी इसके बाद का प्रकरण है। वास्तु इसके बाद आया था। अभी हम लोग देखते हैं कैसे आया था, कब आया था। ये आप ऐसे ही इसको लिख लीजिएगा या इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, वेद आया, उपवेद आया, उसके बाद वेदांग, उपवेदांग। अच्छा, इसके बाद आया उपनिषद। उपनिषद, पुराण, जितने भी पुराण हैं वो इसके बाद आए। इसके बाद उपनिषद, पुराण, ग्रंथ जितने बने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और जितने ग्रंथ जितने टाइप के बने हैं वो उसके बाद आए हैं। इनके बनने के बाद ये क्या हुआ, विस्तार होता गया। जैसे जैसे ऋषि मुनियों को समझ में आता गया, ऋषि मुनि कहने से मतलब ये है जो मेडिटेटिव होते थे, उनको जीवन जितना समझ में आता गया, जिस हिसाब से जीवन समझ में आता गया, वो उसको विस्तार करते गए कि जीवन को किस हिसाब से सिविलाइज्ड करें। ज्योतिष भी हमारे हाथ में जो आज आया हुआ है वो बहुत बड़ा जाल फैल के आया हुआ है। ज्योतिष में कई ग्रह ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि उसके साथ खेलना कैसे है, और इसलिए ज्योतिष में वो रिजल्ट नहीं ले पाते। बड़े बड़े शास्त्र बन गए और उस ग्रह का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब आया ज्योतिष। हम लोग जो कर रहे हैं अभी पार्ट, वो ज्योतिष का पार्ट है। सिद्धांत, संहिता और होरा, तीन पार्ट हैं यहां पर। सिद्धांत, संहिता और होरा। पंचांग की जो शुरुआत है वो यहां होती है, इस वाले पार्ट में। ये जो पार्ट बना था ये काल निर्णय के लिए ही बना था, काल की गणना के लिए बना था। ज्योतिष वेद का पार्ट है वो यहां से एक बार दोबारा प्रूफ होता है कि ज्योतिष वेद का पार्ट इसलिए है। वेद में ये सभी मंत्रों का शास्त्र है। मंत्र से आप ऊपर जाते हैं, मंत्र से आप ईश्वर को बुलाना चाहते हैं, मंत्र से आप कोई काम कराना चाहते हैं, मंत्र से आप जाप करते हैं, मंत्र से आगे बढ़ते हैं, मंत्रों का शास्त्र है। इसको मंत्र को कहां पर करेंगे, यज्ञ करते थे पहले, यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्र ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का उपयोग करते थे, वहां से वेद का उपयोग ढंग से आता है। यज्ञ के लिए हमें समय देखना होता है, काल का पूरा चक्र आ गया, समय का पूरा चक्र आ गया यज्ञ को करने के लिए। समय का जो चक्र आया इसमें संवत्सर देखना हो गया, मास देखना पड़ गया, जो जो चीजें आपको अब देखनी पड़ गई, कब करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीजें जब देखनी पड़ गई तो वहां से ये गणना इसके लिए शुरू हो गई। सिद्धांत स्कंध में, स्कंध मतलब आप पार्ट समझ लो, आप लोग ज्योतिष का पार्ट है ये। सिद्धांत स्कंध, सिद्धांत, संहिता और होरा, यही स्कंध यहां और यही स्कंध यहां। सिद्धांत, संहिता और होरा तीन इसके पार्ट हैं ज्योतिष के। इस पार्ट में यहीं तक वेदांग, आप जब वेदांग ज्योतिष पढ़ेंगे ना तो वेदांग ज्योतिष पूर्ण नहीं है मगर एग्जैक्ट बैठता है। संवत्सर वगैरह उसके बहुत अच्छे बैठते हैं, जो आपका कब तेजी कब मंदी कब कैसे आएगी कब क्या होना है वो उसमें बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया गया है और उसी तरह से फलता भी है। देखा मैंने, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, आप लोग भी कभी देखेगा वेदांग ज्योतिष के नाम से कई सारे ज्योतिष की पुस्तक आती हैं उसमें, क्योंकि ज्योतिष का विस्तृत वर्णन हो चुका है यहां तक आके, बहुत सारे विद्वानों ने यहां तक आके विस्तृत वर्णन कर दिया उसका, तो वेदांग वाले आपको कम ही मिल पाएंगे। यहां पर वेदांग का हो गया, यहां पर पंचांग का दर्शन हुआ, पंचांग यहां से बढ़ा, आगे बढ़ा, पंचांग बढ़ते बढ़ते फिर यहां तक आया संहिता पे। संहिता पे क्या हुआ, आपका जितने भी मौसम की जानकारी है,
जितनी भी आपकी भूकंप वगैरह की जानकारी है, आपके जीवन से संबंधित आगे की जानकारी, ये तो काल की गणना हो गई, समय की गणना हो गई, इसके बाद अब मौसम की गणना हो गई, और जितने चक्र हैं ना, बाहर के चक्र हैं, भूकंप है, मौसम है, फसली जानकारी है, और आप देख लो जो जो आपके मन में आता हो, वो सारी जानकारी जब जब आने लगी वो इसमें हुआ। इसमें एक प्रकरण आगे बढ़ा, वो बढ़ा भूमि पे, ज्योतिष में भूमि पे, भूमि पे उत्पात, पुण्य स्नान और वास्तु प्रकरण, ये शास्त्र दो हिसाब से आगे बढ़ा, एक तो सिद्धांत का हो गया और दूसरा संहिता जो आगे बढ़ा वो उसमें वास्तु भी आ गया, और होरा में ज्योतिष का बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर दिया गया। होरा में आपके बाराहमीर हमारे सबसे पुराने शास्त्रज्ञ कहे गए, इसमें उन्होंने शुरू किया था अपनी किताबों से, बृहत और लघु से शुरू किया था, फिर पाराश्री आए, फिर कालिदास का है, फिर बहुत सारे राइटर्स हैं जो उस टाइम में आए, जिनको जितना ज्ञान था, ज्ञान मतलब खुद से जितना था वो, और जो ऊपर से वो उन्होंने जानकारी ली, किसी से पढ़ पाए, जो जो कर पाए वो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया।